चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड आई नो कि ब्लॉग देने में बहुत लेट हो गया क्योंकि मेरे कुछ दोस्त आए थे आसाम से, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। तो वो कल चले गए, तो इसीलिए मैं आज तुरंत निकल आई ब्लॉग करने के लिए। आई होप आप लोगों का पूजा ज़्यादा दूर नहीं है, शॉपिंग वॉपिंग हो गया है। तो मैं अभी, आप लोग मेरा थंबनेल देख के समझ ही गएंगे मैं कि कहाँ आई हूँ। मैं गड़ियाहाट का टूर लेने आई हूँ कि पूजा टाइम पे कैसा है। बट एस्प्लेट में जितना भीड़ था, जितना शॉपिंग हो रहा है, गड़ियाहाट में उतना नहीं है, उतना कम है। मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि थोड़ा कम है, इनका थोड़ा कमाई कम हो रहा है, शॉपिंग कम हो रहा है यहाँ से। तो कोई नहीं, फिर मीडियम है। तो देखते हैं पूजा का हाल कैसा होता है, माहौल ऑफकोर्स अच्छा होगा, बहुत भीड़ होगा इस टाइम। पता है 2-3 दिन से इतना अच्छा मौसम था, या मैं बारिश था, और आज मैं ब्लॉग करने के लिए निकल आई तो इतना भीड़ है और इतना गर्मी है। मेरा लक ही ख़राब है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ और मैं थैंकफुल भी हूँ। ऑफकोर्स मैं नया ब्लॉगिंग कर रही हूँ, नया स्टार्टअप कर रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि बांग्लादेश से कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहती हूँ कि दूसरे कंट्री से भी देखे, और भी कंट्री से, बांग्लादेश से जो देख रहे हैं, मुझे बहुत अलग ही एक्साइटमेंट आ रहा है। और आई होप वो लोग और भी आगे देखे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे। और तो चलिए देखते हैं, एक टूर लेते हैं गड़ियाहाट का माहौल कैसा है। और गड़ियाहाट एक ऐसा प्लेस है जैसे एस्प्लेनेड में सब कुछ मिलता है, पिलो कवर से लेके घर का सामान से ले, किचन का सामान से लेके कपड़ा से लेके, तो गड़ियाहाट भी वैसा ही है, सब कुछ मिलेगा आपको। कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा। बट एक ही है कि थोड़ा कंजस्टेड है क्योंकि स्ट्रीट रस्ते के साइड के है, तो सिर्फ साइड साइड गली गली घूमना पड़ता है। और आई होप मैं अच्छा से दिखा पाऊँ, क्योंकि तो इन लोगों को मतलब थोड़ा एक एक करके सामान दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं मेरे साथ। अगर आप भी मेरे तरह कोलकाता के बाहर से हैं तो चलिए मैं भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, और आप लोग भी चलिए मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए थ्रू वीडियो। तो यहाँ मैं गोल पार्क से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि गड़ियाहाट मार्केट जो है वो बहुत बड़ा मार्केट है, तो स्टार्ट गोल पार्क से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी गोल पार्क वाला एरिया में, यहाँ से स्टार्ट करते करते, वॉक करते करते गड़ियाहाट तक पहुँचूँगी, और वीडियो दो पार्ट में करूँगी, पार्ट वन पार्ट टू, क्योंकि ब्लॉग बहुत नहीं तो लंबा हो जाएगा, तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं कपड़ों से। तो इस साइड अभी पूरा कपड़े हैं, तो नेक्स्ट साइड ऑपोजिट साइड, तो उस साइड आपको ज्वेलरी और दूसरे कुछ बहुत सारे एसेसरी, कुछ भी बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए, शूज़ एंड ऑल। तो यहाँ से अभी कपड़ा स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट राइट बहुत लंबा स्ट्रीट वाला मार्केट है, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ अब कुछ भी लेंगे, फिक्स प्राइस था, मैंने देखा टैग लगा हुआ था 150 के, और ये बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे, कॉटन के थे, तो ये बहुत ही प्यारा था। अगर आपको कहीं बीच वेयर के लिए पहनना है, अगर आप कहीं भी जा सब वेकेशन के लिए मनाने जा रहे हैं, वन डे वेयर के लिए बहुत ही अच्छा था। और ये इंस्टाग्राम के लिए भी, जो पिक्चर्स रील्स बनाते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा था। अगर आप बीच में अगर वन डे के लिए रील बनाना चाहते हैं तो ये अच्छा था, कम रीज़नेबल प्राइस में अगर आपको चाहिए तो बहुत ही अच्छे थे, और सारे के सारे फिक्स प्राइस थे 150 के। और भैया यहाँ बोल रहे थे कि सिर्फ कॉटन के नहीं है, पार्टी वेयर काइंड ऑफ भी है, तो ये वाला एक पैटर्न इन्होंने दिखाया था। तो ये आप अगर सिंपल में, प्लेन में था, शॉर्ट था, तो आप ये पार्टी वेयर में भी पहन सकते हैं, काइंड ऑफ था। तो ये भी बहुत ही प्यारा, मुझे ये बहुत ही प्रीटी लगा, ये कॉटन का था, तो ये कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है, समर के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ शॉर्ट्स भी मेरे को दिखे, तो मैंने इन्हें कहा शॉर्ट्स के प्राइस कितने, शॉर्ट्स के प्राइस 100 गाइज, ओनली 100 रुपीज़, इतने कम प्राइस में। तो यहाँ बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर थे, कॉटन के थे, डेनिम के थे, पॉलिस्टर कपड़ा जो बोलते हैं ना जिम वेयर के लिए, अगर आपको पहनना है तो जिम वेयर के लिए भी काइंड ऑफ थे। तो ये सारे के सारे 100 रुपीज़ में है। ये एक डेनियम था शॉर्ट में, तो ये अगर आपको ज़्यादा शॉर्ट नहीं चाहिए, थोड़ा मीडियम में चाहिए, तो मीडियम साइज़ का भी था। और ये वाला भी एक था वाइट कलर में, ये कॉटन में था, ये कॉटन में अगर चाहिए तो आपको कॉटन में था, हर टाइप के थे। तो आपको ये वाला भी बहुत अच्छा था, ये जिम वेयर में जो आप लोग कपड़े यूज़ करते हो, तो वो वाला कपड़ा था, पॉलिस्टर कपड़ा बोलते हैं इसको, तो ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, ओनली 100 रुपीज़ गाइज, स्ट्रीट में
₹100 में इतने अच्छे अच्छे शॉट्स मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, और इससे अच्छा कहाँ मिलेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक चीज़ ही उठा के ख़रीदे, तो आप कुछ कुछ चीज़ ऐसे भी होते हैं जो सिलेक्ट करके आप ख़रीद भी सकते हैं। ये गोलपाक एरिया है तो मैं गोलपाक एरिया से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये ₹150 में आपको ये सारे मिल रहे कपड़े, ड्रेसेस और शॉर्ट्स आपको सिर्फ ₹100 में। और जमशूट के मैंने प्राइसेस पूछे थे, ये सारे के सारे जमशूट थे, तो इनका प्राइसेस 300 में बोल रहे थे, तो ये फिक्स प्राइस नहीं था, तो आप कमा भी सकते थे। और ये सारे के सारे टी शर्ट्स आप कुछ भी उठा सकते हैं, कहीं से भी, आपको सिलेक्ट करना पर ढूंढना पड़ेगा, कोई आपको पसंद आएगा कोई नहीं आएगा, तो ओनली ₹100 गाइस, ओनली ₹100। ये वाला देखिए कितना प्यारा था, कितना क्यूट सा एक टी शर्ट मैंने ढूंढा, मतलब सारे देखे तो इसमें से मुझे सबसे प्यारा यही लगा, ओनली ₹100। और शायद बहुत थे, अगर आप ढूंढेंगे एक एक करके तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा। तो गड़ियाहाट का मार्केट का अगर आपको आइडिया लग ही चुका है कि कपड़े कितने प्राइस के, कितने रीज़नेबल प्राइस के मिल जाएंगे, ये सर सारे के सारे जमशूट थे। ये जमशूट आपको प्राइसेस में आपको कमा, कोई फिक्स प्राइस नहीं था, तो इसमें आपको प्राइस कम हो जाएंगे, 300 बोल रहे थे तो कम हो जाएंगे, अगर आपको कमाना आता है तो कमा देंगे। तो यहाँ भी जीन्स बहुत सारे थे, जीन्स ये वाला एक जीन्स था डेनियम प्लेन में, और हर एक टाइप का कलर था, हर एक टाइप का पैटर्न था, तो अच्छा था, तो आप ख़रीद सकते हैं। जीन्स के प्राइस आप बिलीव कीजिए ओनली ₹200 गाइस, ओनली 200। तो आप ले सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे थे, पुराने पुराने टाइप्स भी थे, तो कुछ कुछ अगर उसमें सिलेक्ट करेंगे तो अच्छे भी थे नए नए वाले। तो इनका स्टॉक मुझे जितना आइडिया लगा चेक करके, इनका स्टॉक शायद कहीं से चोरी का माल भी हो सकता है, आई डोंट नो, और मे बी किसी का फैक्ट्री से निकाला हुआ कपड़ा जो स्टॉक से निकल जाते थे, मुझे वैसा लगा, आई हैव नो आइडिया एक्चुअली। तो वैसे लगे तो मैं भी खुद एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो यहाँ में कार्गो पैंट भी था, और मुझे बीच बीच में एक दो जीन्स का पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा एक्चुअली में ये ब्रांडेड वाले के कपड़े का ही मटेरियल था, कुछ कुछ ऑफकोर्स अच्छा मटेरियल नहीं था, तो लेकिन कुछ कुछ मुझे लगा। और ये सारे डोंगल्स है तो इनके प्राइसेस भी सेम थे, 300 बोल रहे थे, तो अगर आप कमा सकते तो ऑफकोर्स कमा सकते, कोई फिक्स प्राइस नहीं है इसमें, तो आप ज़रूर कमा सकते। इसमें भी हर कलर था, तो पीछे में भी रेड कलर, ऑरेंज कलर में भी था, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। तो यहाँ भी देखा सेल चल रहा था, ₹100, कुछ भी उठाएं कुछ भी ले ₹100 में था। टी शर्ट घर के लिए इनोवे काइंड ऑफ टी शर्ट्स था, घर में भी अगर पहनना था वैसा कूल वाला, घर में शॉर्ट्स पहनने के लिए, हॉस्टल में अगर लड़कियाँ रहते तो हॉस्टल के लिए भी, अब अगर आपको कपड़े चाहिए तो यहाँ से बहुत कुछ उठा सकते हैं। तो यहाँ बहुत कुछ था, और ये दो टी शर्ट देखिए कितना अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, बहुत सॉफ्ट कपड़े के थे, लूज़ थे। तो ये था ₹150 के सारे, तो ₹150 में यहाँ सब फॉर्मल काइंड ऑफ शर्ट थे। तो एक दो पीस मैंने इन्हें निकाल के दिखाने के लिए कहा था, बहुत सारे पीस थे, क्योंकि एक एक करके निकालना बहुत ही इम्पॉसिबल था, तो इन्हें मैंने कहा कि एक दो पैटर्न प्लीज़ निकाल के दिखा दीजिए। तो इन्होंने मुझे दो पैटर्न निकाल के दिखाया, तो सारे के सारे फॉर्मल शर्ट थे, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में थे, मटेरियल भी अलग अलग था। तो ये एक था, तो ये पिंक पैटर्न में था, ये एनिमल प्रिंट में था। ये एनिमल प्रिंट वाला मुझे शर्ट बहुत ही एक्चुअली अच्छा लगा, अगर आप अच्छे से कैरी कर लेंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप स्ट्रीट से लिए थे। तो एक्चुअली बेसिकली क्या होता है कि आपको सिलेक्ट करना आना पड़ेगा, बहुत मेहनत है भाई शॉपिंग स्ट्रीट में करना, भी इजी बात नहीं है, जो लगता है वैसा नहीं है। तो ये वाला गाइज वाला का था, तो यहाँ लड़कों का टी शर्ट और शॉर्ट्स थे, तो यहाँ भी ऑफकोर्स प्राइस बहुत ही कम था, मैंने पूछा नहीं, प्राइस ऑफकोर्स कम ही होगा। तो यहाँ घर के लिए सिर्फ फिक्स प्राइस 200 के सारे ड्रेस थे, घर में पहनने के लिए, बाहर भी पहने कहीं भी पहने, तो सब फिक्स प्राइस था, 150-200 कुछ भी, कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं था। और यहाँ में कुर्तियाँ थे बहुत अच्छे अच्छे
शॉर्ट्स थे, बहुत कुछ घर में पहनने का, नाइटी, नाइट सूट, ये सब बहुत कुछ था। 150, देखिए ये सारे के सारे 150 में थे ड्रेसेस। और यहाँ इनर वेयर के लिए भी बहुत कम कम प्राइस में था, घर के लॉन्जरी के लिए, मतलब घर में जो आप कपड़े कंफर्टेबल वाला पहनते हैं, तो बहुत कुछ था। तो यहाँ भी देखिए, मैंने, मेरे को कॉटन का 2-3 ड्रेसेस दिखे। ये वाला एक पिंक बहुत ही प्यारा था, सॉफ्ट था, बहुत कंफर्टेबल था, कॉटन का था, अगर आप पहनेंगे तो इसे बहुत ही अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा। तो वैसे सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा क्या अच्छा है आपके लिए। तो यहाँ बहुत कुछ थे, तो मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा, सारे के सारे प्राइस 150-200 सब कुछ वैसा था, कुछ अलग था। ये भी एक पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं ये आपको निकाल के दिखाई। ये बहुत ही सिंपल था और कॉटन में था, और इसका प्रिंट बेसिकली इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर ये अगर बॉडी कोन जैसा अगर बॉडी में फिट होता है तो ये ड्रेस बहुत अच्छा लगेगा, और प्रिंट एक्चुअली बहुत अच्छा लगेगा समर के लिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। गाइस ओनली 200-150 के बीच में और क्या मिल सकता है। तो ये भी एक ड्रेस दिखा, ये ऊल टाइप का होता है ना, जिससे हम लोग ऊल से बनाते हैं स्वेटर, ये तो वैसा वाला काइंड ऑफ मटेरियल था। तो ये भी एक अलग ही यूनिक सा था। और वैसे भी मुझे कलरफुल चीज़ें बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे कलरफुल चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करता है। कोई भी ड्रेस देखे, कपड़े देखे, तो कलरफुल देखने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल में था, वी नेक में था, मतलब वी नेक, मतलब लो, थोड़ा लो लेवल तक था। तो ये बहुत ही सिंपल प्रिय था। तो गाइस देखिए, ये सब, ये 150-200 में और क्या मिल सकता है। ये यहाँ भी ड्रेसेस थे लंबे लंबे लॉन्ग वाले, तो आप, ये मुझे तो यही सब देखने को मिला, यहाँ पे शॉर्ट्स भी देखने को मिला, ओनली 150। तो यहाँ में बहुत कुछ था, कपड़े, बहुत मेहनत है गाइस। अगर आप आते हैं तो सारा दिन लेके आना पड़े। ये एक मैं टॉप आप लोगों को जूम करके इसीलिए दिखाई, मुझे बहुत क्यों ग्लिटरी में था, बहुत ही, और नेट वाला था। ये इनर में कुछ अलग सा पहन के, तो बीच में पहनने के लिए बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा पर्सनली। तो यहाँ में डेनिम्स थे, तो सब सेम प्राइसेस होते हैं, कोई भी अलग, ये तो देख के मुझे शौक लगा, 30 रुपीज़ में कोई भी टी शर्ट उठाइए भाई, यहाँ से कुछ भी उठाए 30 रुपीज़, ये मेरे को शौक लगा था देख के। गाइस 30 रुपीज़ में भी कुछ मिलता है, 100 इज़ फाइन, मैं समझ पा रही हूँ, 100 में भी टी शर्ट्स मिल रहे, वो भी इतने अच्छे अच्छे अलग अलग टाइप के, कुछ कुछ, लेकिन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ कुछ बहुत ख़राब भी थे, तो कुछ कुछ बहुत अच्छे है। सिलेक्ट करना बहुत एक मेहनत का काम था, मैं जितना देख रही थी समझ रही थी, कुछ कुछ कपड़े थोड़ा मटेरियल थोड़ा मतलब आप खरीद नहीं पाएंगे वैसा वाला था, लेकिन कुछ कुछ में आपको बहुत अच्छा सा दिख रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े मेरे को दिखे 200 रुपीज़ में। तो अगर आप बाहर से आ रहे हैं कभी भी, तो आप देख लीजिए यहाँ से कि प्राइसेस कैसे हैं, यहाँ के बहुत ही कम प्राइस है। तो यहाँ मेरे को एक बहुत ही सुंदर एक डेनियम स्कर्ट दिखा, और इसको मैंने टच करके देखे, इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा था गाइस, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका प्राइस 300 समथिंग कुछ बोले थे भैया। और यहाँ में ग्लिटरी वाला ड्रेसेस बहुत सारे थे, फिक्स प्राइस 200 रुपीज़ का, और लॉन्ग मैक्सी ड्रेसेस थे, तो क्रॉप टॉप्स भी थे ग्लिटरी वाला, ब्लिंग ब्लिंग टाइप्स। मेरे को जब भी ग्लिटरी दिखते हैं तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ, ब्लिंग ब्लिंग टाइप्स। तो आप लोगों को मैं ये वाला पैंट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका कपड़ा खादी वाला जो कपड़ा होता है, नॉट कॉटन, खादी वाला कपड़ा में जैसा होता है ना, तो वही वाला ही पूरा एग्जैक्ट मटेरियल था, खादी टाइप। तो ये समर के लिए बहुत अच्छा था, और इसका पैटर्न पूरा जॉगर्स टाइप था, तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन थे कलर के, वाइट में थे, ब्लैक में थे, ग्रीन कलर में था, ब्लू कलर में था, पिंक कलर में था, तो बहुत सारे थे ऑप्शंस। तो क्या है गाइस, मैं एक्चुअली आप लोगों को पता है, ये
मैं दिखा रही हूँ कि पूजा का माहौल में ये शॉपिंग कैसा था। पता है कोलकाता में आप मॉल चले जाएंगे, ब्रांड से ब्रांड कपड़ा पहन लेंगे, लेकिन बंगाली का इतना क्या होता है कि एस्प्लेनेड और गड़ियाहाट मार्केट अगर वो नहीं आएंगे तो उनका शॉपिंग इनकम्प्लीट है। बहुत सारी चीज़ें एस्प्लेनेड या गड़ियाहाट से भी उठाते हैं, तो हो सकता है कि इनका सब मिक्सअप होता है, जो मुझे पता है। अगर मैं गलत हूँ आई एम सॉरी, किसी को फिर बुरा भी लग सकता है, लेकिन मुझे जितना पता है कि ये गड़ियाहाट और एस्प्लेनेड उनका मेन होता है, तो इसलिए मैंने भी एक्सप्लोर किया। और वैसे मुझे गड़ियाहाट और एस्प्लेनेड पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ कपड़े सब 200-100 में, क्रॉप टॉप्स भी आपको दिख रहे हैं, टॉप्स दिख रहे हैं, तो ड्रेसेस भी देखिए, मैक्सी ड्रेसेस सब 200। ग्रीन वाला ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा, रेड में भी है बहुत सारे, ब्लैक में, ब्लैक वाला भी बहुत अच्छा था, और ये पिंक वाला सब वेलवेट, ये मुझे लग रहा नया पैटर्न आया है, ऊपर के सारे वेलवेटी वाला कपड़ा था। तो मॉल में तो शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ब्रांड तो ऑफकोर्स लोग पहनते हैं, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन स्ट्रीट का भी एक अलग ही माहौल है। तो शॉपिंग करना मॉल में और स्ट्रीट में पूजा शॉपिंग के टाइम भी एक अलग सा ही इनका एक्साइटमेंट होता है। और मैंने कहीं सुना था बंगाली का एस्प्लेनेड और या गड़ियाहाट में शॉपिंग किए बिना शॉपिंग इनकम्प्लीट होता है इनका, तो इसीलिए तो मुझे जितना पता है मैं उतना ही बोल रही हूँ। तो वैसे तो ये मार्केट पे मैं बहुत पहले भी बहुत बार आई हूँ, तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी। तो एनीवे गाइस, मेन फोकस इसमें है कि यहाँ पे ड्रेसेस देखिए, सारे के सारे ड्रेसेस 200-150 गाइस, 200 और 150 के बीच में इतने सारे कपड़े। यहाँ जीन्स भी बहुत अच्छे से थे, जीन्स भी सेम प्राइसेस थे। इस मार्केट पे अगर आप आ रहे हैं, आपको हर एक चीज़ मिलेगा, हर एक चीज़, किचन का सामान से लेके यूटेंसिल्स ले, बर्तन से लेके, बकेट से लेके, टॉवल से ले, कुशन कवर से लेके, हर एक चीज़। अभी मैं फर्स्ट पार्ट पे सिर्फ आप लोगों को ड्रेसेस ही दिखा रही हूँ। ये ड्रेस बहुत ही सुंदर था, मुझे गोल्डन वाला बहुत अच्छा मैक्सी ड्रेस था, और ये पिंक वाला में था, एक ब्लू में था, ये तीनों बहुत ही अच्छे थे, सिर्फ और सिर्फ 200 गाइस। इससे कम प्राइस में आपको क्या ड्रेसेस मिलेंगे आप सोचिए, इतने कम प्राइस में। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे ड्रेसेस, ये अलग बात है कि मैं ड्रेसेस नहीं पहनती। तो एनीवे तो यहाँ में बहुत सारे डोंगल्स थे, तो यहाँ बहुत ही अलग अलग कलर के थे, सारे के सारे 150 समथिंग था, 200 था, उसी के बीच में ही हो रहा है प्राइस। मैं सारे के सारे फिक्स प्राइस नहीं बता पा रही क्योंकि मुझे याद नहीं हो रहे थे। तो यहाँ में एक ब्लू ब्राउन कलर में था, एक वाइट कलर में था, एक डेनिम ब्लू लाइट ब्लू कलर में था, बहुत सारे ऑप्शंस थे। और आप लोग ये सब बहुत आइए कभी बाहर से, जब भी बाहर से आए तो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस लीजिए, आप खुद भी आए और शॉप कीजिए और एंजॉय, एक अलग ही एक्साइटमेंट, एक एंजॉयमेंट का मज़ा लीजिए, एक अलग ही मज़ा आता है। वैसे आप कभी गोवा हुआ घूमने गए तो बीचेस में, तो यहाँ साइड में मार्केट ऐसे ही लगे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अलग होता है, गोवा में अलग हो रहे हैं, यहाँ पे अलग। यहाँ थोड़े ज्वेलरीज थे, ज्वेलरी का लाइन अलग से है, तो मैं आप लोगों को अलग से दिखाऊंगी, तो यहाँ सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी, तो इस फर्स्ट पार्ट में सिर्फ कपड़े दिखा रहे हैं आपको। तो ये सारे के सारे कॉटन के लॉन्ग लॉन्ग मैक्सी ड्रेस थे, बहुत ही अच्छा, सॉरी मैक्सी ड्रेस नहीं थे, कुर्ती बोलते हैं, लहंगा टाइप्स, लंबे लंबे अनारकली टाइप्स। तो मुझे भी इतना अच्छा से नहीं पता गाइज, मैं भी आप लोगों के जैसा एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो प्राइसेस सारे के सारे 120-150-250 एसी के बीच में थे। तो इन्होंने मुझे पीछे से बुला के, मेरे साथ तो ये होना ही है, ये नहीं होगा तो कैसे होगा, तो ये मेरे साथ बातचीत कर रहे थे और कुछ भी बोल रहे थे, तो हंस रहे थे, मुझे भी हंसी आ रहा था, बिकॉज़ इनमें से एक मुझे
वीडियो करने के लिए बोल रहा था, तो मैं बोली अच्छा ऐसा है क्या तो वीडियो करने, बोला आप कहाँ डालें, आप मेरा वीडियो अच्छा से लीजिए प्लीज़ लीजिए बोल रहे थे तो मैं हंस रही थी, ये लोग भी यार टाइम पास, यू नो टाइम पास, इनको टाइम पास करना बहुत मज़ा आ रहा था और मैं इतनी गर्मी में मेहनत कर रही थी वीडियो करी, तो मुझे भी मज़ा आता है, बीच बीच में ऐसे कोई मेरे साथ बात करता है तो मेरे साथ मज़ा लेते हैं और मैं भी उनका लेती हूँ, तो अच्छा लगता है, कभी भी अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ ऐसा भी, बाप रे ये लोग मुझे छोड़ ही नहीं रहते, ये बात करना बंद ही नहीं कर रहे और मैं इसलिए जा भी नहीं पा रही थी, तो ये लोग मुझे भाई ये मुझे दिखा रहे हैं कि अपना मोबाइल का कवर दिखा रहे हैं कि देखिए मैं कहाँ बार बार घूमने जाता हूँ, आप लोगों को देश भी जाता हूँ, ये बोल रहे थे, बोला अच्छा अच्छा भाई ठीक है ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं ठाकुर भगवान जी का भी आपको सामान यहाँ में मिल जाएंगे, कपड़े थे वो भगवान का शॉप था, तो ये सारे के सारे कपड़े के शॉप है, कपड़े के शॉप पे आते आते घूमते घूमते आप टायर्ड हो जाएंगे, तो कपड़ा ही कपड़ा कपड़ा ही कपड़ा। तो देखिए आप मुझे अगर आप नोटिस कर रहे हैं मैं एक रोड क्रॉस कर करके आ रही हूँ, मैं जितना आगे जा रही हूँ तो मैं अभी गड़ियाहाट वाला लाइन में जा रही हूँ, तो सोचिए गोल पार्क से स्टार्ट होकर वॉक करते 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 कितना शॉप बड़ा है, बेसिकली इसे बोला जाता है गड़ियाहाट मार्केट, लेकिन मैं स्टार्ट की गोल पार्क से। तो यहाँ भी मैंने कुछ ड्रेसेस देखे, सारे के सारे 100 थे, कुछ कुछ मुझे अच्छे लग रहे थे, कुछ कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे, अपना अपना चॉइस था, लेकिन प्राइसेस देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ पे एक चेक चेक अगर आप देख सक रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े थे, तो उसमें से एक चेक चेक वाला अगर आप देख पा रहे तो सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये रहा, अगर ये वाला अगर ब्लैक में आपको चेक चेक दिख रहा है तो वो वाला मुझे कुछ अच्छा लगा, तो उसका प्राइस 200-250 के बीच में ही था। तो वैसे चलते चलते वॉक करते करते आगे जा रहे हैं, लोग भीड़ होते जा रहे हैं जमा होते हैं, तो इसीलिए मैं जितना जल्दी हो सके ब्लॉग ख़त्म कर, क्योंकि इनको भी मेहनत होता है, इनका भी लोग कस्टमर आते हैं, तो उनके बीच में मैं अगर पूछती रहती हूँ प्राइस ब्लॉग करती हूँ, उनको भी थोड़ा कष्ट होता है। तो जितना जब तक खाली है तो मैं अपना ब्लॉग कर रही थी। और यहाँ देखिए मैक्सी ड्रेसेस, इतने सारे मैक्सी ड्रेसेस थे, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़, ओनली 200 रुपीज़ में इतने सारे वैरायटीज़ ऑफ मैक्सी ड्रेसेस थे, और यहाँ लोग देख रहे हैं सिलेक्ट कर रहे हैं, सब लोग टायर्ड हो रहे थे, सम अभी है, खुशियाँ भी है, सब मेहनत कर रहे हैं शॉपिंग के लिए। तो यहाँ लड़कों का भी कभी बेचारे लड़कों का कम कपड़े बहुत ही कम होते हैं, लड़कियों के कपड़ों के बीच में उनका थोड़ा थोड़ा ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है, तो उनका उनके लिए भी मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम ब्लॉग बनाऊँगी कि लड़कों का सबसे अच्छा कपड़ा कहाँ मिलता है। तो मुझे एक शॉप एक मार्केट पता है तो वहाँ जाएंगे, तो लड़कों के लिए भी, लड़कों ने क्या बिगाड़ा, लड़कों के लिए भी करना ज़रूरी है शॉपिंग। तो यहाँ ये वाला एक चेक चेक मुझे अच्छा लगा, सारे के सारे 100 रुपीज़ थे। तो यहाँ बहुत सारे मैक्सी भी थे, मैक्सी घर में नाइटी पहनने के लिए, नाइट सूट एंड ऑल, उसके लिए भी बहुत सारे अच्छे अच्छे थे कॉटन के, इतने कम कम प्राइस में। आप लोग कब, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, आप लोग जब भी बाहर से आते हैं कोलकाता के बाहर से, कोलकाता में शॉपिंग करने के लिए ये दो मार्केट ज़रूर आए, और बहुत ही लंबा टाइम लेके, ऑफ कोर्स कोलकाता में आए हैं मतलब लंबा टाइम लेके, नहीं तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये सारे बहुत सारे कॉटन के इतने कम प्राइस में 100 रुपीज़ में थे, नाइटी नाइट सूट घर में पहनने वाले, तो बहुत सारे ऑप्शन थे कम प्राइस में। यहाँ लड़कों के थोड़े से कपड़े थे मुझे दिख गए, तो लड़कों का कपड़ा बेचारा ज़्यादा यहाँ पे नहीं होता है सेल, मुझे जितना दिखा लड़कियों सारे के सारे लड़कियों के बीच में एक दो लड़कों का शॉप था जिसमें सेल इतना नहीं हो रहा था। लड़कों का मार्केट अलग से है, मैं आप लोगों को पक्का कभी ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ भी एक शॉप दिखा, देखिए यहाँ पे क्या शॉप नहीं, अभी स्टार्ट हो रहा है कपड़ों का, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो अभी नया नया अलग अलग चीज़ देखने को मेरी। ये बेडशीट ये वाला एक शॉप था, बहुत ही बड़ा था, 300-350-400-500 के बीच में डिपेंड करता है, मैंने उन्हें पूछा, पैरों का मैट से लेके, बाथरूम मैट से लेके, कुशन कवर से लेके, बेडशीट से लेके, सब कुछ था। तो
मैं देखिए, आप जैसे कि आप लोग साइड में देख सकते हैं बहुत सारे शॉप्स हैं, शॉप्स का नहीं दिखा रही हूँ मैं, सिर्फ स्ट्रीट का ही दिखा रही हूँ। यहाँ भी बहुत सारे कुर्तियाँ थे, तो यहाँ भी प्राइसेस सेम थे। मैंने पूछा था कि 300-400 के बीच में डिपेंड करता है। यहाँ में बहुत सारे अच्छे अच्छे समर के लिए नाइटी थे और कुर्तियाँ भी थे, तो कुर्तियाँ यहाँ में बहुत ही प्यारा प्यारा रेंज में था, बहुत अच्छा अच्छा कम रेंज में बहुत प्यारे कुर्ती मेरे को दिखे, क्योंकि मैंने पूछा था और सामने वाले लोग भी खरीद रहे थे, तो उनके प्राइस बोल रहे थे 350-500 के बीच में। तो यहाँ में कॉटन के बहुत सारे अलग अलग कलेक्शन थे, अलग अलग कलर थे, बहुत सारे कलर्स थे, तो मैं जितना हो सके दिखाई। समर का टाइम है, सब को इरिटेशन होता है जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तो इसलिए मैं इनको ज़्यादा जाके एक एक करके प्राइस नहीं पूछ रही थी। तो बस जितना हो सके मैं आप लोगों को ऊपर ही ऊपर दिखा दे रही हूँ कि यहाँ में कितने सारे कलेक्शन हैं नाइट कुर्ती के। तो यहाँ पे पता है कुर्ती यहाँ पे सब साइज़ के मिल जाते हैं। मैंने बहुत पहले यहाँ से इसी शॉप से एक बार कुर्ती लिया था, इनके कपड़ा मटेरियल बहुत अच्छा है। आपको शाइनी वाले थोड़ा चाहिए, थोड़ा सिंपल में चाहिए, एकदम प्योर कॉटन में चाहिए, सब कुछ टाइप का मटेरियल मिल जाता है। क्योंकि मुझे याद है मैं इस शॉप से बहुत बार कुर्ती ली थी कॉलेज टाइम में, कॉलेज के टाइम। तो यहाँ मैं जा रही हूँ, मेहनत कर रहे। आज तो पूरा मार्केट ख़त्म करना ही करना है, मैं तो आज पूरा मार्केट कवर करने वाली हूँ। एक तो अब हम चल दिए चारों ओर। यहाँ पे सिर्फ ये वाला पूरा लाइन कपड़ों के ही थी। यहाँ देखिए प्राइस दिख रहा है आपको 200-100 के बीच में ही है, कोई भी प्राइस ज़्यादा है ही नहीं। 200-150 सबसे अलग, तो 30 रुपीज़ वाला था वो अलग बात है। तो यहाँ में कुर्तियाँ देखिए, कितने सारे वैरायटीज़ ऑफ कुर्तियाँ, अलग अलग पैटर्न, अलग अलग टाइप के थे, सब कुछ 150-250 के बीच में ही था। आज के डेट में भी इतना कम प्राइस में मिलता है। ये देखिए प्राइसेस यहाँ पे लिखा है 300-200, ये सिर्फ जहाँ प्राइसेस लिखे हैं सिर्फ उनके कपड़े का, लेकिन ऊपर के कुर्तियों का प्राइसेस अलग अलग डिपेंड करता है। इसमें कोई फिक्स प्राइस नहीं है, ये लोग अलग अलग प्राइस करेंगे, 500 तक करेंगे, 400 तक करेंगे, 300 तक करेंगे, 600 तक करेंगे, हो सके तो 100 में भी आपको मिल सकता है, सब डिपेंड करता है। ये एक शू का है, शू का शॉप आगे में भी है, तो फिर भी मैं यहाँ का भी कलेक्शन थोड़ा आप लोगों को ऊपर ही ऊपर दिखा दे रही हूँ। यहाँ का शू कलेक्शन के प्राइसेस मैंने पूछे, सेम प्राइसेस है, 250-350 सब ऐसे ही प्राइस के थे। तो आप लोग खुद आइडिया लगा पा रहे हैं कि मार्केट में जो स्ट्रीट मार्केट होता है तो उनका प्राइसेस कैसे होते हैं, तो आप लोग खुद आइडिया लगा पा रहे हैं। तो यहाँ में नाइटी दिख रहे हैं, यहाँ पे कुशन कवर, बेडशीट, तो यहाँ में सारे के सारे ऐसे थे। बेडशीट अगर आप लेना चाहते हैं, बेडशीट कवर या पिलो कवर कुछ भी, इनका प्राइसेस थोड़ा सा ज़्यादा रेंज में होगा, लाइक 350-450-550 या 600 ऐसे तक भी हो सकता है, लेकिन कम प्राइस में ही मिले, ज़्यादा नहीं। जैसे कि मैंने कुशन कवर के प्राइसेस पूछा तो उन्होंने कहा 300 में मिलेगा आपको 6 सेट, सब टाइप के हैं, कॉटन में है, ग्लिटरी में है, तो आपको जैसा चाहिए डिपेंड करता है। तो मुझे तो ये वाला, मैंने पूछा ये वाला थोड़ा अच्छा लगा, घर में कभी कभी सॉफ्ट वाला लेना पसंद आता है कॉटन वाला, तो उन्होंने कहा 300, सब डिपेंड करता है, अब जितना अच्छा क्वालिटी लेंगे उतना ज़्यादा प्राइस होगा। 300 तो मुझे अच्छा ही प्राइस लगा 6 पीस का, तो इन्होंने कहा तो इससे अच्छा आपको कहाँ मिलेगा, वो भी सही बात है, स्ट्रीट में तो इतना ही प्राइस का मिलेगा, सही बात बोले। तो ये भी एक शॉप मेरे को दिखा, यहाँ में बैग्स बहुत सारे दिख रहे थे, तो ये वाले बैग के प्राइसेस भी ऑफ कोर्स कम ही होंगे, मैंने पूछा नहीं ज़्यादा, क्योंकि एस्प्लेनेड मार्केट बैग्स के लिए मुझे एस्प्लेनेड मार्केट ही ज़्यादा अच्छा लगता है पर्सनली। तो यहाँ भी बहुत सारे बेडशीट कुशन कवर थे और पिलो कवर थे, बेडशीट थे, तो आपको देखिए गड़ियाहाट में सब कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं कि कुछ देखने को नहीं मिलेगा गड़ियाहाट में, ऐसा सीरियसली ऐसा कोई शॉप ही नहीं है जो आपको नहीं मिले। मेडिकल शॉप, खाने का शॉप, कपड़ों का शॉप,
एवरीथिंग ए टू जेड शॉप, गड़ियाहाट में चले जाए ए टू जेड सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ भी कुछ कलेक्शन देखे मुझे बैग के बड़े बड़े वाला, तो अच्छा लगा मुझे, तो यहाँ भी मैं आप लोगों को दिखा दी। तो यहाँ बहुत सारे बैग कलेक्शन दिख रहे थे तो मैंने दिखा दिया आप लोगों को। तो बैग के कलेक्शन के प्राइस भी सेम ही है, 250-350। मैंने पूछा नहीं बिकॉज सेम ही होगा, एस्प्लेनेड और इसका सेम ही प्राइस होगा, 300 ऐसा होगा। तो कपड़ों का शॉप का दुकान ख़त्म ही नहीं हो रहा, बस जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे। यहाँ पे कर्टन्स का शॉप था, कर्टन बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर में था, वैरायटीज़ में था, बहुत सारे थे। तो मैं मुझे लगा ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे कर्टन्स का बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर था, तो मुझे लगा आप लोगों को मैं थोड़ा दिखा देती हूँ सामने से। तो मैं ज़्यादा सामने पे जाके प्राइसेस नहीं पूछी, तो कर्टन्स का प्राइस मुझे नहीं पता, तो मैं स्किप कर दी ये वाला प्राइस। तो यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स दिख रहे थे, पता है ऐसे देखते देखते कुछ अलग ही मज़ा आता है, पर मतलब क्या हो रहा है, विंडो शॉपिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, अलग ही मज़ा आ रहा है। बस देखते जाओ देखते जाओ, कुछ खरीदो मन बस देखते जाओ, मैं कुछ खरीद नहीं रही बस देखते जा रही हूँ देखते ही जा रही हूँ। तो ये एक शॉप लगा ज्वेलरी का, वेट वेट गाइज आगे और भी है, बहुत सारे हैं शॉप जिसपे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज्वेलरी का। तो ये भी एक बेडशीट का शॉप दिख गया मेरे को, तो हम यहाँ बेडशीट का कवर और नहीं देखेंगे, प्राइस नहीं पूछेंगे। तो फाइनली यहाँ पे एक बड़ा सा एक शॉप दिखा मेरे को जूता का, तो हम यहाँ जूता का कलेक्शन देखते हैं। चलिए, तो यहाँ बहुत सारे शूज़ थे, शूज़ के प्राइस मैंने पूछा तो डिपेंड करता है बोले भैया, तो मैंने कहा एक किसी का एक बार बोला तो उन्होंने कहा कि 300 चाहिए आपको, 400 में चाहिए, 500 का चाहिए, सो अलग अलग थे। तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं की एक एक करके पूछ के, क्योंकि मैं अगर मैं ले नहीं रही उन्हें तो फिर मैं उन्हें क्यों डिस्टर्ब करूँ। तो ऊपर से उनका कस्टमर था तो इसीलिए मैंने पूछा नहीं। तो यहाँ आप लोगों को कलेक्शन दिख रहा है तो मुझे भी दिख रहा है, पर हम ले नहीं रहे हैं, जैसे हम विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। तो आप भी जो देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, तो आप लोग भी विंडो शॉपिंग कीजिए, जब भी आने का मौका मिलेगा यहाँ तो आप ज़रूर आएँ और शॉप कीजिए मज़े से। एक अलग ही कल्चर, कोलकाता का एक अलग ही कल्चर है, अलग ही मज़ा है। ये सारे के सारे पम्प शू थे, तो मैंने इसे स्लोली आप लोगों को सामने से दिखा दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप के शूज़ के कलर सामने से कैसे हैं, पम्प शूज़ कैसे हैं। तो थोड़ा जूम कर करके भी ये सामने से दिखा दे रही हूँ। उधर एक बंदा हाई कर रहा है, कभी कभी अच्छा लगता है मैं ब्लॉग करते थे, कोई कोई बहुत अच्छे से बात करते हैं तो मैं उनको नहीं पकड़ती, कभी कभी कोई कोई रूड बिहेव भी करते हैं, बट इतना भी रूड बिहेव नहीं करते, जस्ट बोलते हैं कि मैडम बहुत लोग आते हैं ब्लॉगिंग करने के लिए तो ब्लॉग अलाउ नहीं करते, तो मैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ ठीक है बोल देती हूँ। तो कभी प्लस कभी माइनस हर एक जॉब में होता है, तो ऐसा कोई जॉब ही नहीं होगा दुनिया में जिसमें प्लस और माइनस नहीं होगा। तो जैसे कि मुझे थोड़ा थोड़ा कभी कभी बीच में माइनस मिलता है, नेगेटिविटी लाइक ब्लॉगिंग के लिए नॉट अलाउड, बट कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। ये एक बिल्ली को देखिए खेल रहा था, इतना प्यारा क्यूट सा, लेकिन मैं और उसके साथ इतना नहीं खेली क्योंकि मैं ब्लॉगिंग में फोकस करी थी और गर्मी में मैं पसीना पसीना भी थी इसीलिए नहीं की। तो यहाँ भी एक बेडशीट का शॉप दिखा, तो यहाँ मैं बेडशीट के शॉप बहुत सारे मुझे दिखे, बहुत सारे, और शूज़ के भी शॉप मुझे बहुत सारे दिखे। पता है कोलकाता में एक बार दुर्गा पूजा का मंथ स्टार्ट हो जाए, मतलब दुर्गा पूजा आने में 1 मंथ है, उस मंथ से लेके न्यू ईयर तक यहाँ का माहौल सिर्फ ओकेशन वाला ही माहौल होता है। बीच में आएगा दिवाली का, फिर आएगा क्रिसमस, न्यू ईयर, तो इनका अभी ओकेशन ख़त्म ही नहीं होने वाला है, उनके साथ
मुझे भी बहुत मज़ा आने, मुझे जितना पता है अलग स्टेट में इतना ज़्यादा फेस्टिवल को नहीं मनाया जाता जितना कोलकाता में फेस्टिवल को मनाया जाता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इनका कल्चर। तो देखिए हर तरफ से कोई भी ऐसा लोग नहीं है जो खुशियां नहीं मनाएंगे, बट मैं आज तक आजकल देखती हूँ जो भी अलग स्टेट में लोग मनाते हैं बहुत कम मनाते हैं, वर्क कल्चर को ज़्यादा महत्वपूर्ण देने लगे तो फेस्टिवल को इग्नोर करने लगे, फैमिली फंक्शन, फैमिली गेट टुगेदर, ये सब बहुत कम हो चुका है दूसरे स्टेट में मैंने जितना देखा है। तो यहाँ ये कल्चर कभी ख़त्म नहीं हुआ है और ना होगा, मुझे जितना पता है ये कल्चर हमेशा से चल रहा था और हमेशा से ऐसे ही चलते रहेगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि इनका ये कल्चर इतना यूनिटी है, इतना फेस्टिवल है, ये ओकेशनल के वजह से फैमिली गेट टुगेदर होता है, इनका बहाना हर एक साल में अगर आप काम कर रहे हैं, एक साल में अगर 4-5-6 महीना कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं तो एक साल में आपको फिर लास्ट एंडिंग मंथ तक कितना एक्साइटमेंट है सुनने में, लास्ट मंथ में आपका पूरा फेस्टिवल फंक्शन फैमिली, कितना अलग एक्साइटमेंट है।